आज हम चिड़ा पृष्ठ पर वीडियो बनाएंगे। सर्दी तो है फिर भी अचानक हमने इसको बर्फ लगा दी है ताकि खराब हो जाए। नमक लगा दिया हमने इसको, रात भर ये इस तरह ही पड़ी रहेगी। ये हमने 30 किलो चिड़ा फिश ली थी, इसको हमने मसाला लगा लिया। अब हमने इसको 24 घंटे के लिए रख देना है ताकि मसाला अच्छी तरह अंदर रच जाए। स्टीम करने के बाद हम इसे कोयले का दम भी लगाएंगे ताकि जो इसके अंदर पानी होगा वो खुश्क हो जाएगा। पिछके पीस हमने अंदर रख दिए, अब हम इसके ऊपर देंगे ढक्कन। एक घंटे के लिए हम इसे स्टीम करेंगे। फिश तैयार हो गई है हमारी, अब हम इसे कोयलों के ऊपर रखते हैं। दूसरी तरफ हमारे कोयले भी तैयार हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह अच्छे तरीके से गल चुकी है हर चीज़। ये देखें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं आपको मिस्टर फ़ारूक विराज में वेलकम करता हूँ। आज हम चिड़ा फिश के ऊपर वीडियो बनाएंगे। आपने फिश तो बहुत जगह से खाई होगी, बहुत रेसिपियाँ भी देखी होंगी, ना आपने पहले कभी इस तरह की फिश खाई होगी ना पहले इस तरह की रेसिपी देखी होगी। बहुत ही यूनिक स्टाइल से हम ये रेसिपी बनाएंगे। ये मेरा कज़न सिद्दीक है, बड़े चाचू का बेटा है। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, यहाँ पर मेरा कज़न खड़ा था जिसको मैंने कहा था अली मोटा, ये उसका बड़ा भाई है। और अब हम फिश निकाल के रखते हैं। देखिए हमने 1.5 किलो का पीस लिया है इसके अंदर। चलें जी, अब हम आपको दिखाते हैं किसकी सफाई वगैरह हमने सारी करवा ली है, पेट सारा साफ कर दिया है। ये देख, बाकी सारी बिल्कुल साबित फिश है, ठीक है। और इसके हमने आंखें भी निकलवा दी हुई हैं, बाकी ये मुकम्मल फिश है। अंदर से इसलिए साफ करवाया, इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें डालनी हैं। अब हम इसे नमक लगाते हैं। जिन्हें जैसे सर ये पकड़े इस तरह करते हैं, आप तो बचे आप पकड़ें, इसको मैं नमक लगाता हूँ इस तरह पर नजर, इस तरह रख के। चलिए अच्छी तरह अंदर लगा दें। चलो चलें, सारी फिश पे नमक लगा के फिर आपसे मिलते हैं। लास्ट पीस रह गया, बाकी सबको लगा ली हुई है। चलो, सर्दी तो है फिर भी अचानक हमने इसको बर्फ लगा दी है ताकि खराब हो जाए। नमक लगा दिया हमने इसको, रात भर ये इस तरह ही पड़ी रहेगी। रात को हमने इसको नमक लगा के ऊपर बर्फ लगा के रख दिया था, सुबह उठ के हमने इसको धो लिया और अच्छी तरह धोया। ये आप देखिए अंदर से कोई अंदर चीज नहीं है, अच्छी तरह हमने इसे धो लिया, ठीक है। अब हम इसे कट लगा लेंगे ताकि मसाला इसका अच्छी तरह अंदर रच जाए। तीन एक साइड पे, तीन ही दूसरी साइड पे। ये देखिए, ताकि मसाला अच्छी तरह रच जाए अंदर। फिर इस तरह ही करते रहेंगे, तीन एक साइड पे,
चेंज करेंगे। अब हम फिश को मसाला लगाने लगे हैं। بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح تنحى يا حزن وهجر فؤادا تواجد हम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जरदा रंग हमने मसाले को कलर देने के लिए डाला था। अब हम इसको मसाला लगाएंगे। अच्छी तरह ये देखें हमने जहाँ टक लगाए हैं वहाँ पर भी अच्छी तरह अंदर भी लगाएंगे ताकि अच्छी तरह अंदर रच जाए। देखें जी अच्छी तरह मसाला लग गया। चलें जब एक कैमरा रख दें और ये हमने 30 किलो चिड़ा फिश का मसाला बनाया। अच्छी तरह अंदर तक लगा लेंगे ताकि मसाला अंदर अच्छी तरह रख जाए। ये हमने 30 किलो चिड़ा फिश ली थी, इसको हमने मसाला लगा लिया। अब हमने इसको 24 घंटे के लिए रख देना है ताकि मसाला अच्छी तरह अंदर रच जाए। 24 hours later अब हम फिश की फिलिंग करने लगे हैं इन चीजों से। जैतून, लीमू, आलू, शिमला मिर्च, आम का अचार,
फ्रेश धनिया और पुदीना, ऑलिव ऑयल, अब हम अल्मोनियम के अंदर इसे रख के स्टीम करेंगे। तीन जैतून के पीस, तीन शिमला मिर्च के पीस, तीन चार आलू के पीस, नींबू के तीन चार पीस, अचार आम का दो तीन पीस, उसके बाद धनिया और पुदीने के और जैतून का ऑयल भी हम इसमें डालेंगे। अब हम रैप करने लगे हैं इसे। शिमला मिर्च, आलू, जैतून, लीमू, आम का अचार, धनिया पुदीना, ऑलिव ऑयल, स्टीम करने के बाद हम इसे कोयले का दम भी लगाएंगे ताकि जिसके अंदर पानी होगा वो खुश्क हो जाएगा। चलिए अब हम स्टीम के लिए लेके चलते हैं। اخترت رجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تنهدى
تستريح अब हम स्टैंड रखेंगे। चल साथ ही कुछ रखेंगे। बिस्मिल्लाह। कामना जी तुझे हम कितने देर स्ट्रीम करेंगे? एक घंटा हम स्ट्रीम करेंगे। फिश हमने पतीले में रख दी है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन देंगे एक घंटे के लिए। स्टीम करेंगे इसे। फ्लेम हम इसका हाई रखेंगे। एक घंटे के लिए हम इसे स्टीम होने देंगे। मिलते हैं आपको एक घंटे बाद। حايا حزن وهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني عالم يلني हमने कोयले पट्टी के ऊपर डाल दिए। अब हम आग लगाते हैं। بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بس تيم हो गई है। जब हम इसका ढक्कन करते हैं फिश तैयार हो गई है हमारी। अब हम इसे कोयलों के ऊपर रखते हैं। दूसरी तरफ हमारे कोयले भी तैयार हैं। इसको हम अब कोयलों के ऊपर दम देंगे। ताकि जो अंदर पानी है वो खुश्क हो जाए। हमने ये सारे ऊपर कोयलों के ऊपर रख दिए। 10 मिनट एक साइड पे रखेंगे और 10 मिनट साइड चेंज करके दूसरी साइड पे, ताकि पानी अच्छी तरह अंदर से खुश्क हो जाए। ये साउंड चेक करें आप। पानी अंदर से जज़ब हो रहा है। फिश में से बहुत कमाल की खुशबू आ रही है माशाल्लाह। कोयलों के ऊपर रखी हुई है। 3-4 मिनट रह गए, इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गया, अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। साइड चेंज करें ताकि अच्छी तरह पानी खुश्क हो जाए। हम इसकी साइड इसलिए चेंज करें, इसलिए इसको कोयलों के ऊपर रखा है ताकि इसके अंदर ना मछली अपना पानी छोड़ दिए, वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अब 10 मिनट इसे इस साइड पर रखेंगे, अच्छी तरह पानी अंदर से खुश्क हो जाएगा। फिर हम आपको दिखाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाला आलही वसहबही वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाला आलही वसहबही वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाला आलही वसहबही
وسلم اللهم صل على محمد. पीछे हमारी तैयार हो गई है जी, इसको हम डिश आउट कर रहे हैं. अच्छी तरह पानी अंदर से खुश्क हो गया. ये देखें जी, माशाल्लाह अच्छे तरीके से गल चुकी है. ये देखें जी, माशाल्लाह अच्छी तरह गल चुकी है. ये हले जी, सारे बिस्मिल्लाह पढ़ें, शुरू करें. माशाल्लाह मुझे तो बहुत मजे की लगी है. अब आरफा जी से भी पूछते हैं. ये आरफा जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह फरूख साहब ने ये बहुत अच्छी डिश तैयार की है. इसको खा के मजा आ रहा है. इतना ही बताएंगे, मुझे अच्छी लगी है तो उम्मीद है सब सबको अच्छी लगी होगी. जी काशिफ अंकल जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है. इसके अंदर जो इन्होंने डाला हुआ जैतून वगैरह और बड़ा कुछ है इसमें, तो काफ़ी टेस्टी बनी है. ये तो बहुत मज़ा आ रहा है. जी सजाद अंकल जी, माशाल्लाह जी बहुत अच्छी, बहुत टेस्ट है. जी ज़ुल्फ़िकार अंकल जी, माशाल्लाह जी बहुत अच्छी है जी, आप बहुत अच्छी बनी है. जी अंकल जी, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा जायका है और बड़े प्यार से तैयार की गई है. माशाल्लाह जी बहुत बेहतरीन. जी सर ने बहुत अच्छी है, हंसता है और टेस्ट इसका बड़ा डिफरेंट है और इसमें मटेरियल बड़ा अच्छा यूज़ किया गया है, जैतून और दूसरी चीज़. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. हमने तो खाई है, हमें तो माशाल्लाह बहुत मज़े की लगी है, सबको बहुत मज़े की लगी है. आप भी घर में जरूर ट्राई करें इसे. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो. माशाल्लाह जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी फिश बनी थी, बड़ा अच्छा उसको मज़ा आया हमें खाने का. तो आप इस चैनल पर बड़ी अच्छी वीडियो आ रही हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें. तो बड़ा अच्छा मज़ा आया आज खाने खाने का, तो बड़े अच्छे मसाले थे, बड़ा टेस्ट है उनका. तो ये तो बहुत बहुत मज़ा आया जी. माशाल्लाह जी बड़ा मज़ा आया जी, फिशला बहुत अच्छी फिश बनी है. तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इन्होंने चैनल नू कामयाब करे, तो बहुत अच्छे अच्छे खाने तो मिलन देखने वास्ते, तो इनू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना.
लाइक करना, मेहरबानी, शुक्रिया। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह फरूख ने जो फिश खिलाई हमें, हमने आज तक ऐसी फिश नहीं खाई, बड़ी यूनिक और बड़ी अच्छी फिश थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा मसाले इस्तेमाल किए गए थे, जैतून और काफ़ी चीज़ें थी, खाने का मज़ा आया बड़ा। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट ये और वीडियो भी अपने चैनल पे चढ़ाएंगे। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी माशाल्लाह माशाल्लाह फरूख भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्होंने आज फिश खिलाई है, बहुत ही मज़ा आया है और बहुत ही अलग किस्म की माशाल्लाह, हमने आज तक नहीं ऐसी खाई।